कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कंफ्यूज होते हैं, डाउट में रहते हैं कि उनको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, विशेष करके वो जो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट में से चूज करना चाहते हैं। इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट मेन दो हैं, साइंस जिसमें आपने मिनिमम टू साइंसेस पढ़ी होनी चाहिए, बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स में से दो, या इसके अलावा मास्टर डिग्री में से भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि नॉर्म्स उस वक्त क्या बनते हैं। तो दो, कई बार कैंडिडेट ये चूज करना चाहते हैं कि वो पीजीटी के लिए लेक्चरशिप लेना चाहते हैं, तो वो टीचिंग ऑफ साइंस नहीं ले सकते, वो टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस ले सकते हैं या लाइफ साइंस ले सकते हैं। अगर उन्होंने बायो के फील्ड में एमएससी करनी है तो वो लाइफ साइंस लेंगे, अगर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो वो फिजिकल साइंस, पेडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस लेंगे। तो वो कन्फ्यूज़ रहते हैं, कई उन्हें दो ही सब्जेक्ट पढ़े भी हुए होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं, फिजिक्स बायो पढ़ी हुई है, केमिस्ट्री बायो पढ़ी हुई है, तो वो चूज़ करना चाहते हैं कि क्या हम फिजिकल साइंस से इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट लें या इंटीग्रेटेड साइंस सब्जेक्ट लें। साइंस से आप टीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं, फिजिकल साइंस या लाइफ साइंस के लिए आप पीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं। ऐसे ही सेम है सोशल साइंस का, तो सोशल साइंस में भी कई बार कंफ्यूज होते हैं कि मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस की है, एमए हिस्ट्री की है, मुझे दूसरा दो सब्जेक्ट सोशल साइंस के पढ़े हुए हुए हैं, जो स्कूल सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, तो वो चूज करना चाहते हैं कि मैं टीचिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस लूँ या एसएसटी लूँ, है ना। एसएसटी के लिए आप टीजीट के लिए एलिजिबल बनते हो, पॉलिटिकल साइंस की या हिस्ट्री के लिए आप लेक्चरशिप पीजीटी के लिए एलिजिबल बनते हो। उसके लिए एक फैक्टर होता है कि आप ये जान लो कि पिछले सालों में गवर्नमेंट ने कौन सी पोस्ट, कितनी पोस्ट निकाली हैं कि आप प्रेफर कर सको कि मैं कौन सा चूज करूंगा। ये वीडियो में सिर्फ ये बताऊंगा कि 2022 में लेक्चरशिप पीजीटी की, पीजीटी की पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी है ना, जिसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी और 11वीं 12वीं को सिर्फ पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो, उनकी पोस्ट कितनी निकलती रही है, उसकी क्लासिफिकेशन डिवीजन सारी एडवर्टाइजमेंट आपके सामने रखने लगा हूँ। फॉर एग्जाम्पल पीजीटी इन इकोनॉमिक्स है, 18 पोस्ट निकली हैं पिछली बार, उसकी जनरल कैटेगरी एससी बीसी एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट्समैन, उसकी क्लासिफिकेशन बाइफरकेशन ये आप रीड कर सकते हो। दूसरा है टोटल कॉमर्स की कितनी, 43 निकली हैं पोस्ट, है ना, क्योंकि आजकल आप कॉम्बिनेशन का जो पूछ रहे हो, कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग आपको ये नॉलेज चाहिए तो आप बेटर जो है चॉइस कर सकते हो। तो 43 है उसकी बाइफरकेशन जो है, क्लासिफिकेशन है, ये आप देख सकते हो इन अकॉर्डिंग विद जो है रिजर्व कैटेगरी। मैथमेटिक्स की 68 पोस्ट निकली हैं, 68 में से जनरल के लिए 27 है और वुमेन के लिए रिजर्व 8 है, तो एससी फर्दर डिवीज़न है 7, एमओ एमबी आरओ 7 7, वुमेन के लिए 2 3, ये आप खुद रीड यहाँ से कर सकते हो। मेरे ख्याल में आप अपनी कैटेगरी के मुताबिक भी आपको सोचना होगा। ये भी है फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल में आरओ जो एम एंड बी है, इसमें कैंडिडेट बहुत कम मिलते हैं, दैट इज़ वाई एक्स सर्विस मैन एमबी में मेरे ख्याल में शायद ही कोई मिले। एक्स सर्विस मैन ये आरओ ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई कैंडिडेट, बहुत कम कैंडिडेट, बहुत लो मेरिट में भी आपको मिल जाती है। स्पोर्ट्स में एमबी, तो ये आप खुद डिसीजन लोगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अच्छा आगे है लेक्चरर हिस्ट्री के लिए, जैसे सबसे ज़्यादा अभी तक के लिए हिस्ट्री में के लिए 130+12 जो बैकलॉग की हैं, बैकलॉग मीन पिछली बार पोस्ट निकली थी, 12 पोस्ट किसी कारण के या कैंडिडेट नहीं मिले, फिल नहीं हुई, तो इस बार 130+12 142, 142 अब तक की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा है पोस्ट। इसका मतलब ये नहीं लेना कि अब भी इतनी निकलेंगी, ये भी हो सकता है, लेकिन मैंने ये सिर्फ ये बताऊं पिछले सालों में कितनी निकलती रही है और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। नेक्स्ट है ये पोस्ट पॉलिटिकल साइंस के लिए, काफ़ी क्वेश्चन इसके लिए आए थे, से 46 और 26 जो है 26 बैकलॉग की हैं, शायद 72 टोटल है, 72 पॉलिटिकल साइंस, इसकी बाइफरकेशन आप देख सकते हो साथ साथ में यहाँ पर ये रही है ना। नेक्स्ट है ये रहा, अच्छा ये ज़रूरी है इनकी एलिजिबिलिटी में, अब ये भी एलिजिबिलिटी चलो अलग से वो बता दूंगा कि पॉलिटिकल साइंस की इसकी क्या है। नॉर्मली आपको ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए,
ओके। तो ये सिर्फ वीडियो इसलिए थी कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। इसके बारे में अगर और वीडियो आप चाहोगे, गवर्नमेंट जॉब पोस्ट निकल चुकी हैं, आप कमेंट कीजिए, मैं कर दूंगा। एलिजिबिलिटी भी हो सकती है और कोई भी हो सकता है, जो आप सजेस्ट करोगे कर दूंगा। थैंक यू।